नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज के चमेली कार्यक्रम में आज हमारे साथ चमेली कार्यक्रम में डॉक्टर पी राधिका जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और प्रोफेसर हैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में और वो केरल से हैं ये उनकी मुख्य विशेषता है और वो एक हिंदी के विभाग को हेड कर रही हैं तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में नमस्कार आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि ये सवाल मेरे मन में बहुत देर से चल रहा है कि आप एक दक्षिण भारत के बिल्कुल अंतिम छोर से हैं केरल से हैं जहाँ पर हिंदी का उतना विस्तार नहीं है वहां पर आप होने के बावजूद ऐसी कौन सी घटना ने आपको प्रेरित किया कि आपने हिंदी को अपना मुख्य भाषा बनाया देखिए पहले जो था पुराने जमाने में हिंदी के लिए कोई माहौल नहीं था लेकिन आज बात वो नहीं है आज केरल में भी बहुत ऐसे तरीके से हिंदी में पढ़ाई वो सभी कार्यक्रम चल रहे हैं लेकिन मेरे बचपन में मुझे मालूम नहीं था कि हिंदी एक ऐच्छिक विषय के रूप में हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हिंदी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में उस समय प्रचार में था तो जब प्री डिग्री तक हाँ उस समय प्री डिग्री था आज प्लस टू है तो उस समय मेरा मेरे पास एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी था बाद में मैंने सोचा मुख्य विषय के रूप में मुझे किसी भी विषय को लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो सभी उस समय बहुत लोग उसमें ही जाते थे तो मैंने सोचा कि प्लस टू में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जो मैंने सेकंड ग्रुप लेकर कर रही थी तो उस समय मुझे वहाँ पर जो है कुछ प्रैक्टिकल लैब में प्रयोगशाला में ऐसा ही आ गया कि उसमें किसी किसी कॉकरोच को काटो फिर उसको टेबल पर रखो फिर छोटा छोटा कैरेट का टुकड़ा करके उसमें माइनोकुलर इसमें से माइक्रोस्कोप से देखो फिर उसको टिश्यू खींचो वो सभी मेरे लिए बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगा मतलब मेरे लिए वो सूट नहीं लगा मुझे क्योंकि इतना बारीक से कटना था परीक्षा में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि प्रयोगशाला में मैं बैठी थी वो मेरे सामने आया प्री डिग्री में कैरेट का एक पीस उसको बारीक से कट के माइक्रोस्कोप को उसके द्वारा देखना है देखकर उसके टिश्यू जो मैंने देखा उसको खींचना था जी, जी। तो मैं इतने बड़े बड़े सांबार जैसे कट रहे थे कोई दिखता ही नहीं था मुझे <laughs> टिश्यू दिखाई नहीं दिया जी। तो इस संदर्भ में फिर किसी भी तरह मैं पास हो गई मार्क्स तो मिला वो अलग बात है लेकिन क्या है बाद में मैंने सोचा ये मेरा एरिया ही नहीं है तो फिर लास्ट मोमेंट पर उस समय क्या हुआ था मेरे पिताजी के बड़े भाई वहाँ एक विद्यालय चलाते थे हिंदी वो स्कूल में टीचर थे जी। तो उनके द्वारा एक हिंदी महाविद्यालय थे वहां पर तो उसमें मैं राष्ट्रभाषा से प्रवीण तक पढ़ रही थी अच्छा। तो इसका मुझे बहुत अच्छा लगा था राष्ट्रभाषा के प्रति मेरी रुचि थी उस समय से जी, तो आप मतलब वैसे साइंस की विद्यार्थी थी? हाँ, और साथ ही साथ आप हिंदी भी पढ़ रही पढ़ रहे थे तो उसमें मुझे लास्ट मोमेंट पर मैंने प्रोस्पेक्ट समय देखा कि बीए हिंदी है एस हाँ, हाँ. ए सब्जेक्ट तो मैंने सोचा कि ठीक है इसमें जाएंगे तो मैं अपने पिताजी से बात किया तो उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने मेरे खिलाफ़ बोला उस समय मेरे रिलेटिव्स ने कहा क्या है तुमको मार्क्स नहीं मिला है क्या आपको फिजिक्स लेना था मैथमेटिक्स लेना था नहीं ये तो कोई फ्यूचर नहीं है जी भविष्य में आप बेकार में बैठना पड़ता है हिंदी क्या है इसके आगे कुछ नहीं होता इससे ऐसा बोला तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा नहीं मैं हिंदी में ही जाऊँगी तो मुझे अनुमति चाहिए था कि सिर्फ मेरे पिताजी से तो उस समय क्या है तो मैंने पिताजी से अनुमति लेने के लिए मैंने उनसे पूछा बात किया तो उन्होंने कहा तुम जिसमें जाना चाहती हो पढ़ना तुम्हारी बात है जी। तो तुम जो चाहती हो उसमें जाओ कोई सपोर्ट लो ना दो इसमें कोई बात ही नहीं है तुम आगे बैठो इसी तरह मैं हिंदी में आ गई अच्छा तो फिर बी ए किया एम ए किया एम फिल किया पी एच डी किया अभी डी लिट भी कर लिया ओहो। तो वहाँ तक आ गई मैं जी तो उस तरह क्या हुआ कि उस समय जो है हिंदी का उतना माहौल न होने के कारण सभी लोगों ने मुझे प्रोत्साहन नहीं दिया वो समय लेकिन धीरे धीरे वो मेरे बड़े पिताजी के भाई भी थे वे भी मुझे थोड़ा सपोर्ट किया क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया कि आप हिंदी का बहुत पढ़ चुकी थी ना मैं प्रवीण तक जी। तो इसलिए इसी कारण मैं आ गई तो उसी तरह टेंथ में जब मैं पढ़ी थी तब भी एक ट्यूशन सर थे हमारे स्कूल के तो वे भी बहुत हमारा एक गांव था अच्छा सा गांव है तो उसमें खेती बाड़ी है बीच में से सड़क जाती है तो वहां जो है यहाँ से दस पंद्रह मिनट हमको बस स्टॉप तक चलना है अच्छा। तो मेरे घर के थोड़े आगे पीछे से ही सर आते थे तो हम जैसे मैं निकलती थी सर भी मेरे साथ आते सामने आ जाते थे तो दोनों मिलकर बस स्टॉप तक चलते थे तब सर क्या करते थे उस समय वहाँ से लेकर बस स्टॉप तक इन फिफ्टीन मिनट्स तक मुझसे ग्रामर पूछती थी हिंदी अच्छा। व्याकरण तो ये हर चीज है उसमें क्या गलती है एक सेंटेंस में बोलते थे और उसको करेक्ट करके बोलो और आज क्या, क्या क्या नियम है ये सभी पूछ पूछ के हम जाते थे बस स्टॉप तक जी। फिर जाके वहां बैठ के तो ये एक माहौल मुझे उस दिन गुस्सा आया एक्चुअली क्योंकि हाँ। बस स्टॉप तक जाते समय भी ये छोड़ेंगे नहीं ऐसा <laughs> मुझे लगा था लेकिन बाद में मुझे लगा की अच्छा हुआ उस समय जो किया था उन्होंने पूछा था इतना प्रोत्साहन के रूप में मैं बाद में मुझे ऐसा लगा तो यही मैं ऐसे ही मैं हिंदी में आ गई हूँ अच्छा हाँ तो बाद में मैं देख रही हूँ बहुत लोग आजकल ज्यादा अच्छा है हिंदी में बहुत तो केरला में आ रहे अभी हिंदी का माहौल बन रहा है बन रहा है ओ, और लोग ज्यादा उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं है, है, बहुत है हर यूनिवर्सिटी में हिंदी में कार्यक्रम हो रहा है जी। बहुत लोग हैं बहुत बच्चे उसमें एडमिशन ले रहे हैं उनका फ्यूचर भी है करियर भी है सभी है जी फ्यूचर और करियर के बारे में तो मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूंगी क्योंकि आज की जो हमारी जनरेशन है उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रभाषा या राजभाषा हिंदी कि आ, मैं काम करने से या उसको पढ़ने से हमारे पास आगे प्रोफेशनल क्या क्या काम हम आगे कर सकते हैं या उसे करियर के लिए कैसे हम चुन सकते हैं तो वो मैं आपसे हाँ। पूछूंगी लेकिन फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के दौर में जी। आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है हिंदी देखिए हिंदी को पहले राष्ट्रभाषा के रूप में हमने स्वीकार किया था जी बाद में इसका स्तर बढ़ गया अभी राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग चल रहा है जी। तो हिंदी में जितनी शब्द संपदा है इसके कारण बहुत बढ़ गए है अब हमारे पास हिंदी प्रदेश है तो भी शब्दों की कोई कमी नहीं है हम लोग राजा राजा भाषा के रूप में इसको स्वीकार करने के करने कारण कार्यालय में हिंदी चल रहे हैं कई साहित्यिक हिंदी है सभी है ना ये सब होने के कारण हिंदी के क्षेत्र अब बढ़ गए बढ़ गया है तो अच्छा मैडम यहाँ पर एक जो छोटा सा डाउट मेरे जी, दिमाग जी, में आ रहा है कि अक्सर हम लोग ये जान नहीं पाते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है राष्ट्र भाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज है जी तो जैसे, महात्मा गांधी जी ने हाँ, पूरे राष्ट्र के लिए हाँ, एक भाषा की जरूरत है क्योंकि आप उसी बातचीत करने के लिए संपर्क रखने के लिए कॉमन सबको समझ में आना चाहिए जी, जी, तो पूरे राष्ट्र के लिए अलग अलग मातृभाषा है, है लेकिन फिर भी पूरे राष्ट्र के लिए एक भाषा चाहिए वही राष्ट्रभाषा राज्य भाषा मतलब जो है राज्य के लिए जो भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं जी जी जैसे तो अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज हाँ हाँ हा, हा। जैसे अंग्रेजी अभी तक हमारे राजकाज आ, की भाषा रही है तो रही अब, ना अभी हिंदी अभी हिंदी को अपनाया है तो इसके लिए एक का, अलग कानून बनाया गया है सरकार की तरफ से तो आजकल वो चल रहे हैं तो इसके इससे यही फायदा हुई कि हमारे पास शब्द बहुत है शब्द संपदा हमारे बढ़ गए हैं जी तो इससे हम आगे इसका उपयोग हम कर रहे हैं ना हिंदी का इतना विकास हुआ है जी, जी. हमारे छात्रों के लिए कई जगह पर नौकरी मिल रही है अच्छा हाँ क्योंकि पहले जो है सिर्फ स्कूल में सेकेंड लैंग्वेज आठ हाँ थे ना सिंपल टीचर थे जी आ, कॉलेज जी, में प्रोफेसर बस उतना ही था लेकिन आजकल ऐसा नहीं है आजकल हर जगह पर जैसे कार्यालयों में विभिन्न कार्यालय है बैंक है रेलवे है अभी दूरदर्शन है हर जगह पर सभी कार्यालय में हिंदी सेल है जी, जी. तो वहाँ पर मिल रहे हिंदी ऑफिसर हिंदी ट्रांसलेटर हिंदी टाइपिस्ट ये अलग कैटेगरी में आ रहे हैं जर्नलिस्ट हिंदी हाँ, का हाँ. ये सभी आ रहे हैं ना टीचर्स तो है ही टीचर्स तो आ, वैसे सेकंड लैंग्वेज है नहीं ये तो बीए हिंदी एमए हिंदी वो सब होने के कारण सभी फील्ड में हमारे हिंदी के प्रेमी जो होते हैं हिंदी पढ़ने वाले जो है सबके लिए मौका बहुत मिल रहा देश है।, है देश और विदेश में भी है जी। तो इसलिए आजकल हिंदी पढ़ने वाले पीछे नहीं है अच्छा। मेरे ख्याल से आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम अच्छा हाँ, विदेश में वो भी पढ़ा मुझे मानसिकता थी हमारी की साइंस लेना है हाँ, और भाषा को हम लोगों ने उतनी जी जी आगे नहीं हम लोगों ने बढ़ाया जी 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 या हम उसे मानते नहीं थे तो आज आप मानती हैं कि वो खत्म हो गया वो खत्म हो गया है वो मेरे समान है में वो मैंने ही उसका उस समय मैंने भी करके दिखाया है ना तो उस समय कई लोग इसमें आए थे तो उससे पहले इसलिए लैंग्वेज को उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे ना दिया दिया ही नहीं था क्योंकि लैंग्वेज क्या है इतना हम सभी भाषा का प्रयोग करते हैं फिर इसको अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है तो इकोनॉमिक्स पढ़ो बी कॉम में जाओ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले लो वही विचार था लेकिन आ, आज कल हम बोल रहे हैं भाषा के बिना क्या कर सकते हैं आप हाँ। कुछ भी पढ़िए लेकिन भाषा नहीं है तो आप कैसे अपने कैसे उस विषय को प्रस्तुत कर सकते हैं नहीं, नहीं कर सकते, तो भाषा कितनी अच्छी होती है उतनी अच्छी आप पॉपुलर हो जाते हैं जी, जी, है जी, ना? जी, तो कई कार्यक्रम है कई विषय है आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन तो अच्छा होना चाहिए ना तो इसके लिए भाषा पर ध्यान देना जरूरी है तो इसलिए भाषा अभी देखिए कि केरल के लिए मलयालम हमारी मातृभाषा है मलयालम पढ़ने वालों के लिए यानी कि मलयाली को हिंदी एक अर्जित भाषा है जी तो हमारा ग्रामर अलग है मलयालम का ग्रामर अलग है इसका व्याकरण अलग है लेकिन हम इसको एक्सेप्ट किया है हमने उसको आत्मसात किया है जी दोस्तों हम लेंगे एक छोटा सा विराम और लौट कर आएंगे फिर अपने चमेली कार्यक्रम में दोस्तों विराम के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे चमेली कार्यक्रम में आपका जो स्पेशलाइजेशन है या आपका मुख्य विषय हाँ, जिसे हम कहेंगे वो आपने हिंदी में किस चीज़ को लिया किस विधा को चुना और क्यों मेरा विशेष क्षेत्र है तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक कम्परेटिव स्टडी तो मैंने एम फिल और डी तीनों मैंने तुलनात्मक में किया है और हिंदी मलयालम है अच्छा हाँ। उपन्यास उपन्यास के क्षेत्र तो में मलयालम भाषा और हिंदी हाँ, भाषा हाँ, दोनों दोनों को तुलनात्मक अध्ययन हाँ, किया हाँ, दोनों का जी, जी, हिंदी में जो हम देख रहे हैं है, उसी तरह का मलयालम में है क्या और मलयालम में अलग संस्कृति है जैसे एम टी वासुदेवन नायर जैसे राइटर्स जो है इनके कहानियां या उनके उपन्यास बाहर आना चाहिए उसमें क्या विशेषता है वो सभी बाहर आना चाहिए तो मैंने सोचा की इस तरह की एक विधा ले लेंगे उसमें हम करें इसलिए मेरा पूरा से लेकर तुलनात्मक अध्ययन तक तो जब दो भाषाओं हाँ। तो कि, कि, किन किन क्षेत्रों में उसकी उसकी तुलना करती है वैसे मैंने जो है उपन्यास की प्रवृत्तियों को लेकर किया था उपन्यास डी में जी हाँ क्योंकि ट्रेंड्स उसको ट्रेंड्स तो मैंने ग्यारह प्रवृत्तियों को लेकर जैसे शुरुआत में ऐतिहासिकता से शुरू हो जाती है अच्छा। हमारे क्षेत्र जो है ऐतिहासिकता से यहाँ तक आके आके मैंने आदिवासी तक लिखा है अच्छा हाँ तो मैं 2015 थाउजेंड फिफ्टीन में अवॉर्ड है जी। आ, मेरा डिलीट तब तक आदिवासी तक उसमें आ रहे हैं तो हिंदी मलयालम से हिंदी से कुछ उपन्यास को चुना मैंने इसी तरह मलयालम से भी तो दोनों में मुख्य प्रवृत्तियों को लेकर दोनों कैसे समानताएं आ रहे हैं कैसे असमानताएं आ रहे हैं वो देकर मैंने किया है वो और यम फिर पीएचडी में ऐसा नहीं था वो अस्तित्ववादी दर्शन के आधार पर एक्सिस्टेंशियलिज्म हाँ, हाँ, उसके आधार पर रमेश बख्शी हिंदी के, के मशहूर उपन्यासकार हाँ, थे और मलयालम में आनंद आनंद आज भी लिख रहे हैं हाँ, आनंद के उपन्यासों को लेकर पूरा उपन्यासों को ले लेकर तुलना की दो लेखकों दो उपन्यासकार को लेकर आपने उनकी पूरा तुलनात्मक अध्ययन किया है तो वो भी अस्तित्ववादी सिद्धांत के आधार पर अच्छा तो उन मुख्य रूप से चार पॉइंट को उसमें लेकर आ रहे हैं अस्तित्ववादी इसके आधार पर उसमें तुलना की है जी। तो इसलिए मेरा उद्देश्य वही था कि दोनों की संस्कृति दो केरल की संस्कृति भी बाहर आ जाए तो ऐसे राइटर्स है मलयालम में तो इस तरह मैंने सोच कर किया था वो आज भी चल रहे हैं कई लोग तुलनात्मक में बहुत लोग इंटरेस्टेड है कर रहे हैं शोधार्थियाँ हैं हमारे पास आज एनवायरमेंट के बारे में और कई विषय है ना नारी विमर्श ये सभी में कर रहे हैं आज मेरे अंडर में भी चल रहे हैं अब अच्छा हाँ हाँ चल रहे तो मैडम ये जो संस्था है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जी इसके बारे में भी कुछ बताइए हाँ जी जरूर क्योंकि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की है जी जी अभी हम लोग सौ वर्ष मना रहे हैं अच्छा सौ वर्ष हो गए सौ वर्ष शुरुआत होकर अभी सौ वर्ष हो गया है अभी जो है वहाँ पर हम पीजी में कई अध्ययन है बचपन से मतलब राष्ट्रभाषा से लेकर प्रवीण तक का अलग है बीएड है और शिक्षा स्नातक अलग है और डिस्टेंस एजुकेशन है उसके साथ पीजी डिपार्टमेंट भी है तो ये हैदराबाद में है केंद्रित या चार सेंटर और... में है हमारा एक हैदराबाद है मेन सेंटर हमारा मद्रास में है मद्रास हाँ और केरल में है धारवाड में है कर्नाटका धारवाड में है तो यहाँ एम से लेकर पीजी में एम से लेकर एम ए मे एम फिल डी और डीलिट है इसके साथ साथ स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा है स्नातकोत्तर पत्रकारिता डिप्लोमा है ये सभी कोर्स चला रहे हैं, हाँ हर साल जून में एडमिशन शुरू हो जाते हैं हमारे अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेसर है हमारे पास अच्छा तो इन लोगों के द्वारा हम चला तो रहे हैं तो इस है। संस्था का मुख्य उद्देश्य हिंदी हम... का प्रचार प्रसार है हिंदी का प्रचार प्रसार और इसे आप मान रही हैं कि काफ़ी मदद मिल रही है देश में जो आज के युवा हैं हाँ। वो हिंदी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं या उसे सीख रहे हैं जी जी ज़रूर जरूर क्योंकि पहले जो है प्रवीण तक बोल के कई प्रचारक हिंदी प्रचारक हमारे बीच में थे वो बुजुर्ग लोग हैं हमारा इन लोगों के द्वारा एक्चुअली ये प्रचार शुरू हो गया था चारों केंद्र में अच्छा अभी केंद्र का भी कई ब्रांचेस हो रहा है वहाँ पर कई जगह पर हर मुख्य नगर में इसका सेंटर है तो वहाँ पर हिंदी का प्रचार चल रहा है कोर्सेस चला रहे हैं तो स्टूडेंट्स इसकी ओर आकर्षित हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से डिग्री हासिल करके जाने के बाद वे अच्छे अच्छे पद पर पहुंच रहे हैं और हिंदी आराम से बोल सकते हैं जी, जी तो नहीं है तो ऐसा नहीं होता है ना अभी तेलुगु में है तो तेलुगु ही बोलेंगे ज्यादातर हिंदी उतना ज़्यादा फ्लोएंट नहीं है लेकिन केरल में भी ऐसा ही था मलयालम में ज़्यादा बात करते हैं सिर्फ क्लास में हिंदी में बोलते हैं लेकिन बाहर नहीं है लेकिन आजकल स्थिति वो नहीं है अच्छा बाहर भी अच्छी तरह से हिंदी बोलने वाला है जी मैडम इसकी तो साक्षात आप हमारे सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हैं <laughs> <नहीं। laughs> आपकी हिंदी को देख हम बोल नहीं सकते हैं कि आप केरला से हैं और इतने लोगों को आप हिंदी सिखा रही हैं मैडम आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी जो शादी हुई वो किनसे हुई क्या वो भी हिंदी प्रेमी हैं या वो भी हिंदी के क्षेत्र में हैं या फिर आपने कैसे आगे का आपने जो करियर था वो कैसे आपने संवारा जी मेरे पति है वहाँ केरल के ही है जी उनका क्षेत्र हिंदी नहीं है जी वे इंजीनियरिंग क्षेत्र के हैं जी तो वे एक कंपनी वहाँ मेरेटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जी उनका मैनेजिंग डायरेक्टर है जी लेकिन वो जो है मेरी शादी हुई थी एम के बाद तुरंत बाद अच्छा आ तो उसके बाद जितने भी पढ़ाई हुई उनके सपोर्ट से हुई है। अच्छा तो हाँ। उन्होंने आपको हमेशा इनक्रेज किया आगे बढ़ाया कि आप पढ़िए और जी। अच्छा। जरूर क्योंकि प्रोत्साहन बहुत दिया हाँ हाँ। और मेरे साथ सहयोग भी दिया क्योंकि इससे पहले भी मेरा एक बार ट्रांसफर हुआ था कर्नाटका में तो एक साल मैं बच्चों को छोड़कर गई थी तभी उन्होंने ही संभाला है पूरा जी जी तो ऐसा ही हुआ था तो और दो बच्चे हैं जी बेटी जैसे मेडिकल ऑफिसर है आ, अभी जो कार्यरत है बेटा एम कर रहा है अभी बेंगलोर में है जी 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 तो ये दोनों हिंदी के क्षेत्र के नहीं है हिंदी उनका सब्जेक्ट सेकेंड लैंग्वेज तो उन्होंने हिंदी ही पढ़ा है दोनों लेकिन हिंदी के प्रति रुचि रखते हैं जी, जी, तो मेरे जितने भी मित्र जो हिंदी क्षेत्र के हैं जिनको मलयालम मालूम भी नहीं, नहीं है, है हाँ तो उनके साथ ये अच्छी हिंदी में बात करते हैं अच्छा हाँ, तो इसलिए मैं भी खुश हूँ तो घर का माहौल आपका जो है वो हिंदी में है और आपको कभी शादी के बाद भी कभी दिक्कत नहीं आई कि पढ़ाई मत करिए या नौकरी नहीं करिए नहीं नहीं ऐसा नहीं है आप मतलब मुझे हस्बैंड ने यही कहा आप करना चाहती है जहाँ तक पढ़ना चाहती है पढ़ो पढ़िए मैं उसके लिए पूरा सपोर्ट दे दूंगा जी इसी तरह मैं यहाँ तक आ गई हूँ अच्छा। उनके सपोर्ट के बिना नहीं होता नहीं हो तो हिंदी ऐसे सब्जेक्ट उनको भी अच्छा लगता था हिंदी पढ़ना वो जिसमें रुचि तो है उसमें आगे बढ़ी, बढ़ी करके बताया था तो घर में सभी लोग सपोर्ट दे रहे इसलिए मैं यहाँ हूँ अब अच्छा। हाँ अभी मैं इतने दूर आके यहाँ हमारा ट्रांसफरेबल है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ अभी अच्छा केरल से इतनी दूर आ गई हूँ ना जी जी हिंदी तो सेवा के लिए हिंदी सेवा लिए। के लिए जी, जी, जी बिल्कुल जी आप तत्पर हैं और आ रही आ, है। इतने सारे विद्यार्थियों को आप हर साल हाँ। पी की उपाधि और एम और एम भी आपके यहाँ होता है हाँ। तो जी जी। उसमें भी आप उनको पढ़ा रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं और राष्ट्र के हित में एक अच्छा कार्य कर रही हैं क्योंकि हिंदी सेवा आज हमारे राष्ट्र की सेवा के बराबर है दोस्तों हम लेंगे एक छोटा सा विराम और लौट कर आएंगे फिर अपने चमेली कार्यक्रम में दोस्तों विराम के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे चमेली कार्यक्रम में अच्छा मैडम अंतिम मेरा जो प्रश्न है वो ये है आपसे कि आज की जो हमारी जनरेशन है जो अभी हर कोई बड़े होकर पढ़ना चाहता है इंजीनियरिंग करना चाहता है मेडिकल करना चाहता है क्योंकि वो लोग मानते हैं कि हिंदी के क्षेत्र में ना तो हमें नौकरी की सुविधा है और ना हम विदेश जा सकते हैं तो आप क्या मानती हैं कि आज के जो हमारे युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी आपको शायद आश्चर्य होगा कि मेरे सामने ऐसा एक कैंडिडेट आई थी जी एक साल डेढ़ साल पहले जी वो आकर मुझे पूछा कि मुझे एम हिंदी में एडमिशन मिल सकते हैं क्या तो मैंने पूछा आप टेन प्लस टू प्लस थ्री पैटर्न है हाँ, बीए ए में हिंदी पढ़ा है हाँ, नहीं बीए ए कुछ और सब्जेक्ट हो तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी है तो हमारे नियमानुसार मिल सकते है जी, तो उसने मुझे पूछा नहीं मेरा बी हो गया है अच्छा इंजीनियरिंग हाँ, हाँ, उसके बाद वो पढ़ने के लिए आई है एम ए हिन्दी हाँ, तो मैंने पूछा उनको क्या है आपके बी होने के बाद आप एमटेक कर सकती थी तो हिंदी के प्रति क्यों रुचि है नहीं मैडम मुझे ट्रांसलेशन करना अच्छा। बहुत अच्छा लगता है तो अंग्रेजी ऑलरेडी मेरे पास है हाँ। लेकिन हिंदी मेरे पास नहीं है नहीं है तो वो करना इंजीनियरिंग फील्ड में जाना नहीं चाहती अच्छा हाँ, वो पूछ रही थी मुझे मुझे ट्रांसलेटर बनना है अच्छा आ, उसके लिए मुझे क्या करना है ओहो हाँ, तो, तो इसलिए मैं फंस गई कि उसके पास बीटेक में हिंदी नहीं है ना नहीं है तो बीटेक में हिंदी नहीं है हमारे नियमानुसार एक विषय हिंदी पढ़ना जरूरी है लेकिन उसको ये एक प्लस पॉइंट हमारे सामने आ गए कि उसने हिंदी प्रवीण कर किया था अच्छा। वो पहले दो साल पहले उसका उसके पास डिग्री सर्टिफिकेट है मार्कशीट भी है जीजी। हिंदी प्रवीण तो दोनों को मिलाकर हमने एडमिशन दे एडमिशन दे, दे।, दे दिया मतलब इस तरह के लोग भी आ रहे हैं कि इंजीनियरिंग है, करने है, के है। बाद तो मैडम आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चे ऐसे इंजीनियरिंग कर लेते हैं और उसके बाद वो अपने मन की जो अंदर की आवाज़ है उसको सुनकर वो कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो क्या वो दबाव में घर वालों के और परिवार के दबाव में वो इंजीनियरिंग या मेडिकल की तरफ चले जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि नहीं हमारा जो हृदय है या हम जो करना चाहते हैं वो भाषा में करना चाहते हैं क्या ऐसा है वैसे मुझे लगता है कोई भी विषय आप पढ़ने जा रहे हो मन से जी रुचि होनी चाहिए हाँ हाँ ये पढ़ाई ही नहीं या कोई भी काम हो जी रुचि के साथ करना मतलब अलग इफेक्ट होता है रुचि नहीं है किसी के इशारे पर या किसी के दबाव से आप कर रहे हैं उतना आत्मीयता उसमें नहीं, होता। नहीं हो सकती उसका रिजल्ट नेगेटिव होता है जी जी जी। तो ये जो बच्चे आते हैं स्पेशली हिंदी पढ़ने के लिए हाँ हाँ। वे बहुत इच्छा के साथ आ रहे हैं अच्छा परिवार चलाने का दूसरी बात है उनके पास लेकिन हाँ। वो भाषा पढ़ना है ये हिंदी की प्रति रुचि है इसलिए वे आ रहे हैं तो दक्षिण भारत, भारत में भी अब हम ये मान सकते हैं कि लोगों के अंदर हिंदी का भाव जाग चुका है और वो हिंदी के प्रति अब आगे बढ़ रहे हैं रुचि ले रहे हैं और उसमें कार्य करना चाहते हैं जी, उसे पढ़ना चाहते हैं है। है। जरूर इसमें कोई डाउट नहीं है दो राय नहीं है हिंदी के प्रति इच्छा होने के कारण ही वे लोग आ रहे हैं फिर आजकल जो है जल्दी 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 वैसे नौकरी मिलने की इच्छा है कुछ लोगों में है लेकिन हमारे पास आने के बाद हम उनको समझा रहे हैं नौकरी तो है ही चाहिए हाँ, ही हाँ। वो तो इसके अलावा हम जी नहीं सकते जी, जी। लेकिन इस भाषा पढ़ने के कारण साहित्य के प्रति भाषा के प्रति रुचि होना जरूरी है हाँ। नहीं है तो ये आगे नहीं बढ़ सकते अभी मान दे, देख लीजिए कि रिसर्च के लिए एडमिशन ले रहे हैं हाँ। लेकिन उसके डेडिकेशन नहीं है नहीं है। तो नहीं होता जी जी तो हम कितना भी बोले उनको लिखना है ना खुद जी खुद उनको रिसर्च लिखना तो है। नहीं रिसर्च तो लिखना है। तो उनको ही करना है कोई डिक्टेट नहीं कर के दे सकते तो उनको क्या करना है खुद रुचि है खुद पढ़ना है खुद समझना है तो बहुत ईमानदारी के साथ डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे तो फिर कौन लगता है तो इसलिए हम उस दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में मैं वही ये पॉइंट दे कर रही जी मैडम कि सभी लोग बच्चों को इसी तरह ले आ रहे हैं अच्छा मैडम मैं एक और देश में तो मान लीजिए हमारे पास सरकारी नौकरियों में हिंदी विभाग है और कई सारे पद हैं जिससे हिंदी पढ़ने के बाद तुरंत नौकरी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन क्या विदेशों में भी हिंदी का प्रचार बढ़ रहा है आप ऐसा मानती हैं और वहाँ भी नौकरियों के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं हिंदी के लिए बाहर भी यूनिवर्सिटी में हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं आजकल जी वैसे जापान में है सोफिया हाँ, जैसे हमारे एक सर थे हाँ, हाँ, दक्षिण भारतीय प्रचार समा में वो सर दो साल के लिए गए थे अच्छा, अच्छा तो वहाँ भी है फिर इंडियन स्कूल है हर जगह जी, पर जी, तो वहाँ भी मिल जाएगा इनको हिंदी यूनिवर्सिटी में एक मुख्य विषय के रूप में आजकल ले रहे तो इसलिए ये भी है इसके लिए भी उनको मौका है जी तो मैडम आपने समय निकाला और यहाँ पर आई और हमसे इतनी बातचीत की हिंदी के बारे में इतनी जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि अहिंदी भाषी होते हुए भी हम हिंदी भाषा को अपना सकते हैं और अगर हम चाहें दिल से तो उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं आप एक जीती जागती एग्जाम्पल हैं हमारे सामने हमारे दर्शकों के लिए तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैडम आपने समय निकाला हमारे पास आई और हमसे बातचीत की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार मुझे भी यहाँ आके आने का मौका मिल गया जिस आपसे बात हुई इतने सारे जो मेरे मन में थे वो बोलने का मौका मिल गया जी मैं भी आपके शुक्रगुजार हूँ धन्यवाद इसी के साथ आज का हमारा चमेली कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है मैं अनुराधा पांडे आप सभी से विदा लेती हूँ अगले सप्ताह फिर नए विषय पर हम चर्चा करेंगे तब तक नमस्कार